गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मैथ बुक पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ बुक मैथ बुक पेज नंबर देखो बच्चे कितना है, 53 है ना। मैथ बुक आज भरेंगे एड यानी जोड़ना है। क्या लिखा है बच्चे देखो, एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। ये जो है हम लाइन खींच के गिन के नीचे लिखेंगे। ये जो मैंने परसों समझाए थे आप लोग को, ये वाली पेज है ना, वो सीधे था ना, सीधे सीधे हम जोड़ रहे थे डंडा खींच के है। आज हम जोड़ेंगे लेकिन सीधे डंडा नहीं, देखो ऊपर से नीचे तक है। दोनों तरीका का होता है ऐड है ना, तो आज हम ऐसे ऐड करेंगे। देखो बच्चे क्या लिखा है, ऊपर टू लिखा है ना, टू डंडा खींचा हुआ है, वन और टू है ना, नीचे वन एक डंडा खींचा हुआ है, उसको मिलाएंगे। वन टू थ्री, ये कितना है बच्चे, थ्री है ना। देखो थ्री लिखा हुआ है, थ्री डंडा भी खींचा हुआ है, वन टू थ्री। ठीक है, इस तरह हम इसको भी ऐड करेंगे। ये कितना है बच्चे, फाइव है, कितना है फाइव, फाइव डंडा खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, नीचे कितना है, वन है, एक डंडा खींचेंगे। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं बच्चे। ठीक है, जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको हम मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना हुआ सिक्स, हम यहाँ लिखेंगे सिक्स, सिक्स डंडा भी खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया। इस तरह देखो उसके साइड वाला ऊपर कितना है बच्चे, टू, कितना है टू, टू डंडा खींचेंगे, वन टू, नीचे भी टू, फिर टू डंडा खींचेंगे, वन टू, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर। क्या लिखेंगे यहाँ, फोर, फोर डंडा भी खींचेंगे, वन टू थ्री फोर, हो गया। उस तरह नीचे देखो बच्चे कितना है, टू है, टू डंडा, वन टू, ये कितना है बच्चे, थ्री, वन टू थ्री, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव यानी फाइव, फाइव डंडा खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, उस तरह देखो ये कितना है, फोर है, फोर डंडा खींचेंगे, वन टू थ्री फोर, टू है, टू डंडा खींचेंगे, वन टू, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स है ना, सिक्स डंडा भी खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गया। ये कितना है बच्चे, सिक्स है ना, सिक्स डंडा खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। जो डंडा बच्चे आप लोग खींचोगे तो थोड़ा गैप दे के खींचना, ऊपर ऊपर नहीं खींचना, गिन नहीं पाओगे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो कितना, थ्री, वन टू थ्री, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ हम नीचे लिखेंगे नाइन है ना, नाइन लिखेंगे, नाइन डंडा भी खींचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हो गया नाइन एट। देखो ये कितना है बच्चे, थ्री, वन टू थ्री, ये कितना है, नीचे वन, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर यानी फोर हुआ, फोर डंडा खींचेंगे, वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर लिखेंगे, ये कितना है बच्चे, सेवन है, सेवन डंडा खींचेंगे गिन के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
ये नीचे कितना है, टू, टू डंडा घिंचेंगे, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, नाइन, ठीक है, नाइन डंडा भी घिंचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। उसके देखो साइड में कितना है, ऊपर टू है ना, टू डंडा घिंचेंगे, ये कितना है फाइव, यानी कि हम फाइव डंडा घिंचेंगे, मिला के हम गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन हम लिखेंगे, सेवन डंडा भी गिन के घिंचेंगे, ठीक है। ये कितना है बच्चे, थ्री, यानी थ्री डंडा घिंचेंगे गिन की, ये फोर, फोर डंडा घिंचेंगे, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है, सेवन लिखेंगे और सेवन डंडा भी घिंचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। ये कितना है बच्चे, वन, वन डंडा सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी सेवन, सेवन डंडा घिंचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। ये कितना है फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये कितना है थ्री, थ्री डंडा घिंचेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लिखेंगे, ठीक है, एट डंडा घिंचेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। ये कितना है बच्चे, फाइव है, फाइव डंडा घिंचेंगे, हाँ, वन टू थ्री फोर फाइव हो गया, फाइव नीचे फोर, वन टू थ्री फोर गिन, देखो गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यानी नाइन, नाइन डंडा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया। ये वन और ये वन, ये वन, ये वन, वन टू क्या है, टू, टू डंडा घिंचेंगे, ठीक है। ये कितना है बच्चे, थ्री, वन टू थ्री, ये भी थ्री है, वन टू थ्री मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी हम सिक्स डंडा घिंचेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया। इस तरह आप लोग जोड़ना, ठीक है, ऊपर जितना है उतना डंडा घिंचना, नीचे जितना है मिला के गिनना और लिखना, ठीक है, इस तरह काम करना। देखो ऊपर कितना है, टू है ना, टू, टू डंडा, नीचे वन है, वन डंडा, मिला के गिनेंगे, वन टू थ्री, थ्री हुआ, थ्री लिखेंगे, थ्री डंडा भी नीचे घिंचेंगे, ठीक है। इस तरह आप लोग डंडा घिंच घिंच के गिन के लिखना, ठीक है बच्चे।